हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जो -5 मार्क्स अब होने वाले हैं रिजल्ट में, जो कि एनटीए डिक्लेयर करेगा, कभी भी कर सकते हैं, आज भी, कल भी, या फिर एक दो दिन का टाइम भी लग सकता है। वो अभी अपने पास, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस कोई भी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको टू बी एग्जैक्ट नहीं बता सकता। बट जो कि कल जब डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में इतने सारे कॉल्स, मैसेजेस और कमेंट्स मेरे को देखने को मिले कि स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स परेशान हैं कि अब ये जो -5 मार्क्स हुए हैं, इससे कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या कुछ मार्क्स कम होंगे, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स भी कम होंगे। तो जी हाँ, सभी आपका जो डाउट्स हैं उस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ, और गवर्नमेंट MBBS मिलने के चांसेस कितने ज़्यादा हो सकते हैं आपके, उसके बारे में भी आपको मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, एक मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग। हो सकता है आप उसमें कुछ और एड ऑन करना चाहो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बता सकते हो। मैं मेरे अकॉर्डिंग और जो मेरा नॉलेज है उसके बेसिस पर आपको बता रहा हूँ, और जो डाटा अवेलेबल है उसके बेसिस पर। तो उम्मीद करूँगा कि आप मेरी मेहनत को लाइक और सब्सक्राइब करके इसमें थोड़ा सा मेरी एनर्जी को बूस्ट जरूर कर सकते हो। जरूर सब्सक्राइब और लाइक करना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करना, ताकि सभी को एक मिल पाए आइडिया कि कहाँ तक उनको कॉलेज मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की एंजाइटी या फिर जो डिप्रेशन है वो दूर हो जाए इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं स्टार्टिंग से, जिनके स्कोर 720 आउट ऑफ 720 है, जो कि 61 स्टूडेंट हैं ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद में। जो भी डाटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 4 जून को जो रिजल्ट पब्लिश हुआ था उसी के बेसिस पर करूंगा। वो इसलिए क्योंकि बीच में जो रिजल्ट आए थे वो या तो ग्रेस मार्क्स की वजह से आए थे, या फिर ग्रेस मार्क्स को हटाने की वजह से। दो ऑप्शन तो ये हुए थे कि एक बार ग्रेस मार्क्स दिए गए तब रिजल्ट चेंज हुआ था, एक बार उसको फिर हटा लिया गया ग्रेस मार्क्स को तब रिजल्ट चेंज हुआ था। इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ, पहले मार्क्स उसमें ऐड हुए फिर हटा दिए गए, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद अभी जो डिसीजन आया है वो है कि 5 मार्क्स कम किए जाएंगे आपको सेकंड ऑप्शन की वजह से, तो वो उसमें चेंजेस होने की वजह से रिजल्ट आएगा। जो कि एनटीए ने स्टार्टिंग में 4 जून को रिजल्ट डाला था, उसमें उन्होंने 4th ऑप्शन ही सही माना था, तो उसके बेसिस पर रिजल्ट वही रहेगा, यानी कि डेटा मैंने वही लिया है जो कि 4th जून को एनटीए ने रिलीज किया था, तो उसके बेसिस पर, क्योंकि उसमें चेंजेस होगा, बाकी चेंजेस जो हुए थे उनको तो नकार दिया गया है। आई थिंक कि मैं आपको समझाने में सफल हुआ ये बात। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो -5 नंबर जिनके हो जाएंगे वो होने के बाद में, क्योंकि वो 44 स्टूडेंट्स थे जिनके की -5 मार्क्स होंगे, तो इस वजह से अब जो 720 आउट ऑफ 720 है वो 17 स्टूडेंट बच जाएंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा वो मैं बताता हूँ, कि जो ये 44 स्टूडेंट हैं -5 मार्क्स होने की वजह से 715 पे पहुँच जाएंगे, लेकिन इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जो 700 पे थे 715 पे आ गए, रैंक में इनमें डिफरेंस होगा, ये मैं मानता हूं आपकी बात कि रैंक इनकी कम हो जाएगी। कैसे? जैसे कि किसी बच्चे के 716 मार्क्स थे क्योंकि उसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो इसकी वजह से उसके 189 क्वेश्चन ठीक थे, तो 716 मार्क्स उसके बने थे, तो अब इसको फायदा ये होगा कि ये 44 स्टूडेंट इस बच्चे से नीचे आ जाएंगे, यानी कि 720 वालों सभी को फर्स्ट रैंक मिलेगी, यानी कि 1 से लेकर 17 तक रैंक मिलेगी, तो 18वीं रैंक जो होगी वो 716 मार्क्स वाले स्टूडेंट को होगी। तो जो पहले बातें हो रही थी कि 720 नंबर वाले बच्चे को भी एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा था, अब 716 नंबर वाले बच्चे को भी एम्स दिल्ली मिल पाएगा, क्योंकि रैंक में चेंज हुआ है और ये 5 नंबर कम हुए हैं स्टूडेंट्स के इस वजह से। तो ये चेंजेस, सबसे फर्स्ट चेंजेस तो मैंने टॉप लेवल के ऊपर आपको बता दिया कि ये चेंजेस होने वाला है, सीधा सीधा फायदा इन बच्चों को, 716 नंबर वाले को 44 नंबर यानी कि रैंक का फायदा हो गया है। तो इतनी बात आपको समझ में आती है। अब बात करते हैं कुछ और नीचे। अगर तो आप हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराना चाहते हो, तो हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो, तो 6376719190 पे कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, आप हमें DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो हम आपकी काउंसलिंग में हेल्प करेंगे, आपको सजेस्ट करने में भी हेल्प करेंगे आपको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं, तो आप वहां पर हमें कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रेडियो की बात करते हैं, जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 650 प्लस है, क्योंकि कट ऑफ की रेंज में यही है, अगर इससे ऊपर की मैं बात करूंगा तो उनका ज्यादा फायदा नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनकी रैंक में डिफरेंस होगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए उम्मीदवार तो वो भी होंगे। ये बात आपको समझ में आती होगी, जिनका स्कोर इस 650 से ज्यादा है उनका क्यों मैं बोल रहा हूं वो आगे और मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं उससे
जो ऊपर हैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो उनकी रैंक में डिफरेंस होगा, उनका उनको चॉइस का कॉलेज किसी को मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा उसकी बात होगी, बट वो सिलेक्शन से बाहर नहीं हुए हैं तो इसके ऊपर की बात करना ज़्यादा अपने लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बात करेंगे उन स्टूडेंट की जिनका की स्कोर अभी 650 है लेकिन माइनस 5 होता है तो वो 645 पे आ जाएंगे, जो कि सिलेक्शन रेंज से बाहर हो सकते हैं। कैसे? अभी मैं 2024 का जो 4 जून वाला रिजल्ट था उसको मैं आपको बेसिस बनाकर कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। आगे आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो यहां पर आती है जिन बच्चों का स्कोर 655 था, यानी कि जो 4 जून को रिजल्ट आया था वहां पर स्कोर 655 था, तो इनकी रैंक थी 26,175। तो यानी कि इतने रैंक तक आपको एडमिशन मिलता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर लास्ट राउंड तक कहीं ना कहीं पे। और बात करें जिन स्टूडेंट्स का स्कोर था 653, जिनकी रैंक थी 26,646, 653 के ऊपर ही 26,813, क्योंकि सेम स्कोर के ऊपर अलग अलग रैंक होती है इसलिए मैंने यहाँ पे नोट की हुई है। बात करेंगे 650 जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, उनकी रैंक थी 29,000। डिफरेंस की बात कर ले अपन तो 655 से लेकर 653 के बीच में 471 स्टूडेंट थे, और 653 एक ही स्कोर के ऊपर 171 स्कोर के यानी कि 653 स्कोर के ऊपर 171 बच्चे अभी थे जब 4 जून को रिजल्ट रिलीज हुआ। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो समझाता हूँ आपको। लेकिन 653 से लेकर 650 के बीच में 2183 स्टूडेंट, 2183 स्टूडेंट थे, इन सभी को मिला लिया जाए, इनका डिफरेंस देख लिया जाए तो 2825 डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस होने का मतलब है कि इतनी रैंक में डिफरेंस होगा, जिस बच्चे का स्कोर 655 था लेकिन माइनस 5 अगर इनका होता है तो ये डायरेक्ट जंप करेंगे 650 पे, और जिनका स्कोर पहले से 650 था वो उनको फायदा हो जाएगा इस रैंक का। आती है इतनी बात समझ में? अगर ये बात समझ नहीं आई तो आप ये समझ के देखो कि जिन बच्चों का स्कोर था 654, आप एक एग्जांपल लेकर चलो कि 654, ये तो मैंने सिलेक्शन के रेंज वाले बता दिए आपको क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बता रहा था, एक बच्चे का स्कोर 654 है तो उसके माइनस 5 होंगे तो वो 650 से बाहर हो जाएगा, यानी कि जिस बच्चे का स्कोर 650 है उसकी रैंक 2825 से इंक्रीज हो जाएगी। अब एग्जैक्ट कितनी होगी वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो 4 जून का डेटा है उसी को आधार मानकर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कितनी रैंक में डिफरेंस आ सकता है। तो 2500 से लेकर 3000 रैंक का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है इस नए रिजल्ट के अंदर। तो आती है इतनी बात समझ में? अब 654 या फिर इससे नीचे जो भी बच्चे हैं उनका माइनस 5 होगा तो इन बच्चों का जिनका 650 है इनको फायदा होगा ऑटोमेटिक। स्कोर के ऊपर भी डेफिनेटली 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन रैंक पे ऊपर मैं बात कर रहा हूं क्योंकि रैंक पे एडमिशन होते हैं इसलिए। तो अब आपका काफी हद तक डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितनी रैंक का डिफरेंस हो सकता है रिजल्ट के लिए। अब ये रिजल्ट कब आएगा वो बाद में बात करेंगे, अभी मैं कुछ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ और का मतलब है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ और रैंक कितनी रह सकती है। तो ये वाली कट ऑफ जो है मैंने आपको बताया था जब ये रिजल्ट 4 जून को रिलीज हुआ था उस टाइम पर, तो अभी इनके अंदर 2500 से 3000 रैंक का डिफरेंस होगा तो आप ये मान के चलो कि ये जो रैंक है ये जितने भी बच्चे हैं आप इनमें ऐड कर सकते हो रैंक अपने स्कोर के बेसिस पर, तो आपकी रैंक उतनी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी 2500 से लेके 3000 रैंक के बीच में। अब वो सारा सिनेरियो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो ये स्कोर आपका 650 से लेके 653 या फिर 52 इतना रह सकता है। और आपकी रैंक की बात करें तो आपकी रैंक यहाँ से उठ कर 3000 ऊपर चली जाएगी। वो कैसे वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो ये कट ऑफ मैंने आपको बताई थी, अभी एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद में मैं आपको और अच्छे से कट ऑफ और रैंक बता दूंगा फाइनल कि यहाँ तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये आई थिंक मैंने समझाने में मैं हेल्प यानी कि मैं समझाने में कामयाब आपको हो गया हूँ कि किस तरीके से रैंक में डिफरेंस पड़ेगा, किन बच्चों को डिफरेंस पड़ेगा। अब लास्ट बात आती है क्वालिफाइंग स्कोर की। अब क्वालिफाइंग स्कोर पे क्या डिफरेंस आएगा वो मैं बता देता हूँ। क्वालिफाई रैंक देखो आपको बताता हूँ मैं, जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग 164 मार्क्स हैं। तो एग्जांपल लेके चलते हैं कि इन ये बच्चे उन 420,000 स्टूडेंट में से हैं जिनके की माइनस 5 मार्क्स हुए हैं, तो ये बच्चे आ जाएंगे 159 स्कोर पे, यानी कि क्वालिफाइंग रेंज से ये बाहर हो जाएंगे। अब फायदा किसको होगा? ओबीसी एससी एसटी के लिए 129 है, इनको भी अगर माइनस 5 होते हैं वो बच्चे जो कि 4.22 लाख में है तो उनका स्कोर आ जाएगा 124, ये भी सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे अभी की कट ऑफ के अकॉर्डिंग। लेकिन जिन बच्चे का स्कोर 163 है जो कि पहले क्वालिफाई नहीं था,
अब क्योंकि 5 मार्क्स इन बच्चों के कम हो गए हैं, तो जिनका स्कोर अब विन 159 हो गया है, इससे ज्यादा तो स्कोर उन बच्चों का है जो 163 पे थे, जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन टिक किया था या फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था, तो उनका स्कोर 163 है, तो ये क्वालिफाई अब हो जाएंगे क्योंकि इनकी रैंक इंक्रीज हो जाएगी, और रैंक इंक्रीज होने की वजह से और इन बच्चों की रैंक डिक्रीज होने की वजह से इन बच्चों को फायदा हो जाएगा और ये क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा क्वालिफाइंग मार्क्स का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी और रैंक का भी। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कहीं पे कोई लगी बात तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हो अच्छे वर्ड्स के अंदर। इसके अलावा मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। बाकी तो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, ये भी आपका डाउट होगा कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, बट अभी एक दो दिन में तो स्टार्ट नहीं होगी, ये कन्फर्म है। तो ये था वीडियो कम्प्लीट। तो मैं अजय शर्मा एस नीट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे रहा था, तो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।